बिस्मिल्लाह। अगर कोई एक लेसन हमने सीखा है ना, द कोर, वो ये है, अगर कोई एक लेसन हमने सीखा है, द कोर इन द एंटायर थिंग इज कि विदाउट वर्क ब्रेकडाउन आपकी सारी प्लानिंग इज फुल ऑफ क्रैक्स, दैट इज टोटल गैप्स। That's why ये अक्सर यही होता है ना कि हमने हफ्ते का काम है जो तीन हफ्ते लटक जा रहे हैं। रीजन कि हमने मेटिकुलसली थैरोली उसको ब्रेकडाउन नहीं किया, सोचा नहीं होता। तो जब तक आप नट्स एंड बोल्ट्स तक सोचने का यही तरीका है, एंड यू हैव कम दैट वे, राइट? बट दिस स्टिल नॉट कंप्लीट, इसमें ढेर सारे क्रैक्स हैं। रियल क्रैक्स दैट यू आर गोइंग टू फिल इन वो राउंड नंबर करने वाले हैं, दैट इज Analyzing its risks. I'm assuming कि ये आप सारे लिख चुके हैं, वर्क ब्रेकडाउन बन चुका है, ऑब्जेक्टिव तीन लिख चुके हैं, उन ऑब्जेक्टिव के नीचे 1.1, 1.2, 1.3 नीचे। But this work breakdown is never considered to be complete. दूसरा लेसन अगर एक कोई कहना चाहे तो वो कहते हैं ना, वो यार आप इसका वर्क ब्रेकडाउन तो बना के ले आओ, जरा इसका कास्ट एस्टिमेट करके ले आओ। तो फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि यू आर इन टू अ प्रोजेक्ट फेज, मेकिंग अ न्यू सर्विस इज अ प्रोजेक्ट, व्हेन इट इज मेड एंड पुट इनटू ऑपरेशंस, दैट्स इजी, एनीबडी कैन कम एंड सिट एंड स्टार्ट वर्किंग, उसको समझा दो। लेकिन स्टार्टिंग समथिंग न्यू, अ न्यू सर्विस, अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू टीम, अ डेवलपिंग इट एटसेट्रा, इट्स अ प्रोजेक्ट। आप कुछ देर प्रोजेक्ट फेज में रहेंगे एंड देन वी विल रन इनटू ऑपरेशंस। ये प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में फर्क है। तो अब प्रोजेक्ट की जो कर रहे हैं चीजें, उसमें अगर आपको कोई कहे कि जी मैंने तो एस्टिमेट कर लिया है, तो आप उसे कहें कि मुझे उधर वर्क ब्रेकडाउन दिखाओ। अगर उसके पास नहीं है तो उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर आप उसे कहें कि अच्छा आपकी टीम कितनी है, टीम में एक आप कोर टीम है और एक आपकी एक्सटेंडेड टीम है, ये दोनों टर्म इस्तेमाल होती है, द कोर टीम एंड द एक्सटेंडेड टीम। काफ़ी सारे कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर टीम की भी होंगी, लेकिन फॉर सम ऑफ द थिंग्स यू विल गिव इट टू द एक्सटेंडेड टीम, और इवन योर आउटसोर्स टीम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। ये वो कर रहा है आदिल लॉयर, ठीक हो गया। बट विदाउट डब्ल्यू बी एस, तो इसका आप कह लें कि जो सी पी यू जो सेंटर ऑफ द प्लानिंग में है वो है डब्ल्यू बी एस, वर्क ब्रेकडाउन। वर्क ब्रेकडाउन के बगैर बाकी कुछ भी नहीं है। यू एस्टिमेट कॉस्ट, यू एस्टिमेट क्वालिटी, रिस्क एक्सेट्रा। तो ओके, द वन अनदर क्रिटिकल थिंग दैट वी हैव टू डू इज रिस्क। अच्छा, रिस्क में, रिस्क स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स, विद ऑब्जेक्टिव। क्या आपने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिए? ओके, ठीक है, कर लिए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स पे आप ये सोचेंगे, टू ईच ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल आपने ये एक ले लिया मार्केट रिसर्च, राइट, एंड यू आर सेइंग आप लिसनिंग पे जोर देना इंस्टेड ऑफ राइटिंग, तो वो स्नैपशॉट लेते रहे, मार्केट एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं थैरो, एक्सेसिबल टू ऑल, जिसमें ठीक है आप, मतलब वही बात जो आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन आप टाइमली पहुंचाते हैं, प्रोएक्टिवली पहुंचाते हैं, टाइमली पहुंचाते हैं, पुल वाली चीज़ें कोई भी नहीं देखता, पुश वाली चीज़ों पर जा रहे हैं, नज कर रहे हैं, ठीक है लोगों, और उसका पर्सोना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यंग मेले नहीं भेज रहे, ठीक है, क्योंकि जो मेरे काम की चीज है वो मुझे आती है। इफ आई डोंट गेट थिंग्स रेलेवेंट टू मी, तो सून आई विल अनसब्सक्राइब यू, क्योंकि आप मुझे यंग भेजी जा रहे हैं, यंग मेल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए द वन थिंग पॉइंटेड फॉर माई नीड, पर्सनलाइज के ये मेरे काम की चीज़ है, ठीक है। वो उसे ऑप्शन भी आप देंगे, ऑफकोर्स उसे कहेंगे कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, आप व्हाट रियली सूट्स योर थिंग, और उसके हिसाब से आप उसके अलर्ट्स कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे, व्हाटएवर। ये मैं जनरल बातें कर रहा हूं। रिस्क एनालिसिस ये है कि इस ऑब्जेक्टिव को आपने अब सोचना है। पहला सवाल जो होता है रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क एनालिसिस में, वो होता है रिस्क टू व्हाट, रिस्क टू व्हाट। Risks are always to objectives. अगर कहे यार मैं रिस्क एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसके मतलब यह है कि आप अस्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव उसने डिफाइन कर लिया है। अगर कहने मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं अभी डिफाइन किया, तो मैं रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अनप्रोफेशनल।
तो पहला सवाल होता है रिस्क टू ऑब्जेक्टिव. व्हाट रिस्क्स आर ऑलवेज टू ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद असल में रिस्क मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, लेकिन उसका नाम रिस्क मैनेजमेंट रखा हुआ है. देखना आपने ये है कि व्हाट कैन पॉसिबली कम विच माइट इंपैक्ट दिस थिंग नेगेटिवली और पॉजिटिवली. ठीक है, ठीक है ना. What factor, what event, what person, what can possibly happen, what can possibly happen which can impact our this objective of thorough market research flowing. Yes. ठीक है, इसमें भी वही रूल है, no shut up calls. Yes. जंग हो जाएगी. ठीक है, 100 साल में एक दफा होती होगी. ठीक, गूगल अपनी सर्विसेज बंद कर देगा. ठीक, लिस्ट पॉसिबिलिटी बट स्टिल कैन हैपन कि नहीं. ठीक, कुछ भी आपने इसमें लिखना है, वट एवर यू थिंक इज पॉसिबल. बाद में हम देखेंगे कि उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, तो वो लिखें कि वट कैन हैपन. पॉजिटिव ये होते रिस्क ये होते हैं कि what can possibly happen which will help reinforce accelerate this objective. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा जबरदस्त हमें रिसर्चर मिल जाए, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सोर्स मिल जाए, ऐसा कोई कनेक्शन मिल जाए टू समथिंग इन द मार्केट. या फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि DHA में, CDA में, फलाने में, डीने में, जो जिसके बाद जबरदस्त इंफॉर्मेशन होती है, या कोई ऐसा सर्कल मिल जाए, या ऐसा ग्रुप मिल जाए व्हाट्सएप पे, या मिसाल के तौर पे हर एक के प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं ना. yes. और मे बी यू क्रिएट अ प्रोफेशनल ग्रुप विच इज कम्युनिकेटिंग दीज थिंग्स इफ डजंट एग्जिस्ट. तो व्हाट कैन हैपन विच कैन पॉजिटिवली. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपको उस, मैं तालीम में हूं तो मुझे तालीम के मिनिस्टर की एक्सेस है, तो इट्स अ बिग पॉजिटिव रिस्क विद मी. अगर मैं उस मिनिस्टर की ड्यूरेशन में उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं बढ़ा रहा. तो बाज़ुका पॉजिटिव रिस्क जो होते हैं वो बंदे इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि रिस्क को हम, आम जो बंदा है वो रिस्क को समझता है थ्रेट. रिस्क इज नॉट थ्रेट. ठीक है ना. द नेगेटिव रिस्क आर थ्रेट्स इन कॉमन पार्लेंस, द पॉजिटिव रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमन पार्लेंस, बट रिस्क इज अ न्यूट्रल टर्म. ठीक है ना, रिस्क होंगे ही होंगे, तो आप वो रिस्क लिखें, पॉज इट फॉर अ वाइल एंड राइट डाउन.